नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। करीना कपूर ने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम उसने रखा है करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल। साल 2020 में करीना और सैफ अली खान के पहले बच्चे तैमूर की बर्थडे पर करीना ने अनाउंस किया था कि वो प्रेगनेंसी के बारे में किताब लिखेगी और उसने 9 जुलाई 2021 को यानी पिछले हफ्ते ये बुक लॉन्च कर दी है। So what's been baking? This is what's been baking. इस बुक में करीना ने उसकी प्रेगनेंसी के दरमियान जो फील किया, जो तकलीफें सही, जो प्रिकॉशंस लिए, उसका डाइट कैसा था, वो कौन सी एक्सरसाइज किया करती थी और प्रेगनेंसी के दौरान और बाद में अपनी बॉडी कैसे मेंटेन करी, ये सब बताया है ताकि प्रेग्नेंट औरतों को ये बुक हेल्पफुल हो सके। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसने अपनी किताब का नाम प्रेगनेंसी बाइबल रखा। उस पर बहुत से मसीही लोग नाराज हैं और नाराज होना भी चाहिए, क्योंकि बाइबल लव्स क्रिश्चियन के धर्म ग्रंथ पवित्र बाइबल से लिया गया है। पूरी दुनिया जानती है कि बाइबल क्रिश्चियंस का पवित्र ग्रंथ है जिसे क्रिश्चियंस पढ़ते हैं और फॉलो करते हैं। सैफ अली खान, जो कि करीना का पति है, उसकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का नाम इल्यूमिनाटी फिल्म्स है। सैफ अली खान ने अपने कई इंटरव्यू में खुद को इल्यूमिनाटी बताया है। उसका अपना घर फ्रीमेसन की थीम पर बनाया गया है। उसके हाथ पर ये टैटू बना हुआ है जिसमें कई सारे इल्यूमिनाटी सिंबल्स है। आप देखिए, एक आंख बनी हुई है, एक पिरामिड बना हुआ है और पिरामिड के पीछे से सूरज की किरणें निकल रही है। यही टैटू उसने अपने बेटे तैमूर के हाथ पर भी लगवाया है, यानी छोटा सा बच्चा जिसे अच्छाई और बुराई की समझ ही नहीं है, उसके हाथों पर शैतानी सिंबल से छाप दिए गए हैं। अब ये जानते हैं कि लफ्ज बाइबल का क्या मतलब होता है। बाइबल वर्ड का मतलब है बहुत सारी किताबों का ग्रंथ। लफ्ज बाइबल ग्रीक लफ्ज बिब्लिया से लिया गया है। क्रिश्चियंस ये वर्ड इसलिए इस्तेमाल करने लगे क्योंकि 66 पुराने और नए नियम की किताबों को मिलाकर एक पवित्र ग्रंथ तैयार किया गया जिसे होली बाइबल कहा जाता है। शुरू में बाइबल लफ्ज क्रिश्चियंस की पवित्र किताब पवित्र बाइबल के लिए ही इस्तेमाल होता था। आप कहीं पर भी सर्च करोगे तो यही जानकारी मिलेगी कि बाइबल मसीहियों का पवित्र पुस्तक है या पवित्र धर्म पुस्तक है। लेकिन आजकल जानबूझकर बाइबल लफ्ज का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है, जैसे कि योगा बाइबल, हिंदू बाइबल, किचन बाइबल, बीटीएस बाइबल वगैरह वगैरह। ये शैतानी लोग बाइबल का नाम इतना कॉमन कर देना चाहते हैं कि कोई भी आम इंसान जब बाइबल लफ्ज को सुने तो उसके दिमाग में मसीहियों की पवित्र किताब बाइबल न आकर आम किताबें आए, बाइबल को भी पवित्र किताब न समझकर आम किताब समझे, पवित्र बाइबल की अहमियत ना के बराबर कर देना चाहते हैं। करीना कपूर ने अपनी किताब का नाम बाइबल इसलिए नहीं रखा कि उसका मतलब बहुत सारी किताब है, बल्कि इसलिए रखा है कि ये शैतानी लोग बाइबल का मजाक उड़ा सके। ये लोग ये चाहते हैं कि आम आदमी के मन में ये ठसाया जाए कि बाइबल कोई पवित्र पुस्तक नहीं है, ये तो बस एक आम पुस्तक है। हम जानते हैं कि पिछले दिनों में नेशनल टीवी के ऊपर हालेलुया लव्स का मजाक उड़ाया गया था। ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। सीक्रेट सोसाइटीज खुदा और उसके कलाम से नफरत करते हैं, जो कुछ बाइबल में लिखा गया है उससे उल्टा करते हैं। क्रिश्चियंस बाइबल को पवित्र किताब मानते हैं और इल्यूमिनाटी एजेंडा लेकर चलने वाले लोग लव्स बाइबल का इस्तेमाल ऐसी पुस्तकों के लिए करते हैं। करीना कपूर ने अपनी पुस्तक का नाम प्रेगनेंसी बाइबल इसलिए रखा है ताकि कोई आम आदमी लव्स बाइबल सुने या पढ़े तो उसके दिमाग में करीना कपूर की प्रेगनेंसी बाइबल ही आए। ऐसा करके पवित्र बाइबल का नाम ये लोग दुनिया में से और इतिहास में से मिटा देना चाहते हैं। पहले स्कूल में हिस्ट्री में तारीखें पढ़ाई जाती थी तो बीसी और एडी में हुआ करती थी। एडी का मतलब है अनो डोमिनी, यानी यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद का समय, और बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह के जन्म के पहले का समय। लेकिन कुछ सालों पहले हिस्ट्री की किताबों में चेंज लाया गया है। अब जो तारीख पढ़ाई जाती है उसमें एडी की जगह सीई यानी कॉमन ईरा और बीसी की जगह बीसीई यानी बिफोर कॉमन ईरा। यहाँ भी ये लोग हिस्ट्री में से यीशु मसीह का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। हमारे इंडिया में पहले 2 रुपए का सिक्का आता था, उस पर क्रॉस जैसा सिंबल बना हुआ था। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि ये यीशु मसीह का सिंबल वाला क्रॉस है, उसे इस सिक्के से हटा दिया जाए, और सरकार ने ये सिक्का ही बंद कर दिया। हकीकत में वो क्रॉस जैसा सिंबल यीशु मसीह के क्रॉस का नहीं था, लेकिन क्रॉस देखकर आम इंसान यीशु मसीह के बारे में सोचता है, इसीलिए ये बंद कर दिया गया। इसी तरह ये लोग यीशु मसीह का नाम लोगों के जहनों में से निकाल देना चाहते हैं।
आपने पहले कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें कुछ लोग गूगल को या एलेक्सा को या सीरी को जीसस क्राइस्ट के बारे में पूछते हैं और गूगल, एलेक्सा या सीरी जवाब नहीं देते। वो कहते हैं कि हम नहीं जानते। आप खुद भी ये ट्राई कर सकते हैं। आप गूगल, सीरी या एलेक्सा को पूछोगे कि जीसस कौन है तो वो कुछ भी जवाब नहीं देगा। आप किसी और के बारे में पूछोगे तो वो तुरंत जवाब देगा। यानी इंटरनेट डिवाइस से आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में नहीं बताया जाएगा। जो लोग यीशु मसीह को जानना चाहते हैं और वो इंटरनेट का सहारा लेते हैं तो उन्हें जानकारी नहीं मिलेगी। यही एजेंडा है शैतान के पुजारियों का। Hey Google, who is Jesus Christ? Sorry, I don't know how to help with that. Hey Google, who is Jesus Christ? Sorry, I can't help with that yet. Oh, that's weird. Hey Google, who is Jesus? Sorry, I don't understand. Who is Jesus Christ? My policy is the separation of spirit and silicon. Did Jesus die for our sins? It's all a mystery to me. Okay, Alexa, who is the Lord Jesus Christ? Jesus Christ is a fictional character. Hey Google, who is Allah? According to Wikipedia, in Islamic theology, God is the all-powerful and all-knowing creator, sustainer, ordainer and judge of everything in existence. Hey Google, who is Jesus Christ? My apologies. I don't understand. Hey Google, who is Buddha? According to Wikipedia, Gautama Buddha, also known as Siddhartha Gautama, Shakyamuni Buddha, or simply the Buddha, after the title of Buddha, was an ascetic and sage on whose teachings Buddhism was founded. Hey Google, who is Jesus? Sorry, I can't help with that yet. According to Wikipedia, in Christianity, the Christ is a title for the Savior and Redeemer who would bring salvation to the Jewish people and mankind. So she mentions the title of Christ, but she doesn't mention Jesus Christ. Who is Satan? According to Wikipedia, the devil is the primary opponent of God in religion. I mean, 70 to 90% of factual information she's going to say, according to Wikipedia. Okay, well, let's just go to the Wikipedia page on Jesus Christ. Why does she not go there? Why is Google, like, this is not a coincidence. This is pretty damn obvious at this point. Why Google is excluding only Jesus Christ from it befuddles me. It doesn't make any difference. I mean, what type of political statement or what type of statement are you trying? What kind of point, Google, are you trying to prove by just excluding him? She'll put in, you know, you could ask about anything else, like disgusting people like, hey, Google, who is Ted Bundy? According to Wikipedia, Theodore Robert Bundy was an American serial killer, kidnapper, rapist, burglar, and necrophile who assaulted and murdered numerous young women and girls during the 1970s and possibly earlier. ये लोग पवित्र बाइबल के नाम का मजाक उड़ाए या लव्ज हालेलुया का, ये लोग हिस्ट्री में से यीशु मसीह का नाम मिटा दे या इंटरनेट से, ये लोग कितना भी करे, यीशु मसीह ने कहा है कि जमीन और आसमान टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। बाइबल पवित्र है और उसमें लिखी सब बातें सच है। उसमें बताई गई भविष्यवाणियां हमारी आंखों के सामने सच होती जा रही है क्योंकि यीशु मसीह ने ही पवित्र बाइबल लिखी है। सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन यीशु मसीह का नाम खत्म नहीं होगा। संसार को बनाने वाला वो ही है। ऐसे गंदे मनसूबे लेकर चलने वाले को वो मिटा देगा। ऐसी घटिया हरकतें कर ये लोग यीशु मसीह को टारगेट करते हैं। बाइबल में कहा है कि उनके फलों से तुम उनको पहचानोगे। हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। एंटी क्राइस्ट के लिए रास्ता तैयार कर दिया गया है लेकिन हमारा खुदा जिंदा खुदा है। अगर हम पश्चाताप करेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे तो वो हमें जरूर बचाएगा। हमें पापों से चंगाई देने के लिए यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दे दी। बिना खून बहाए माफी है ही नहीं। हम इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम इन लोगों के लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि खुदा उनको सतबुद्धि दे, उनके गुनाह माफ करे। तो दोस्तों, ये तो थी करीना कपूर खान की असलियत। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।